वाराणसी दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक मोहन भागवत की होगी। राम मंदिर निर्माण पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा यहां पर करेंगे, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करने पहुंचेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को निरीक्षण भी यहां पर किया जाएगा, तो कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे काशी विश्वनाथ का, तो निरीक्षण का पुरातन मंदिरों का संरक्षण की जानकारी भी ली जाएगी। तो मोहन भागवत का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है, तो वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं राम मंदिर निर्माण पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा इस बैठक के जरिए की जाएगी कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया जाना है। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे मोहन भागवत, और इस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। पुरातन मंदिरों का संरक्षण की जानकारी जो है वो इस मौके पर वो लेते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम वाराणसी से दे रहे हैं, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है जहां पर राम मंदिर निर्माण पर चर्चा होगी। और इसी बीच हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, वाराणसी दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम, किस तरह की तैयारी दौरे को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से आरएसएस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी आ रहे हैं। ऐसे में जो सीए को लेकर और एनआरसी को लेकर इस देश में माहौल बिगड़ा है, उससे भी बातचीत करते नजर आएंगे कार्यकर्ताओं से। वही विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर क्या रणनीति सरकार ने तय की है, कितना विकास कार्य हुआ है, कौन से मंदिर संरक्षित किस तरीके से किए गए हैं, क्या उसका इतिहास है, इस चीजों पर जानकारी हासिल करने और निरीक्षण करने के लिए देर शाम काशी पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, विश्वनाथ का दर्शन भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजू, लेकिन अब इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है, बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो मोहन भागवत के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले क्या पदाधिकारियों के साथ बैठक या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख करेंगे मोहन भागवत? लेकिन सबसे पहले काफी देर शाम जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर राम मंदिर और एनआरसी और सीए को लेकर एक बैठक करेंगे, जहाँ आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। पूरा ये कह सकते हैं कई राज्यों से यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं, आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिनके साथ बैठक करके एक रणनीति तय की जाएगी। वही उसके बाद विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या काम हुआ है, कौन से मंदिर कितने संरक्षित किए गए हैं, उसका इतिहास क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। वही फिर बनारस के विभिन्न जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जनता के हित में चल रहे हैं, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। जी चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।